बजरंग टीवी, कहानी पुराणों की, ज्योति आस्था की। ऐसी घोर निषेध अवैधिक पूजा करूंगा मैं कि माँ शक्ति माता तारा देवी के रूप में मेरी रक्षा करने के लिए विवश हो जाएंगी। आपके दर्शन का एक चुक है ये भाग, एक चुक है ये भाग, एक चुक है ये भाग। स्वीकार करें माता तारा देवी, प्रणाम स्वीकार करें माता तारा देवी, प्रणाम स्वीकार करें माता तारा देवी। रक्त वर्ण कारिणी कुंड मुकुट धारिणी त्रिलोचन शिवा प्रिय। भयंकर प्रकृति थर्रा उठी है इस निषिद्ध पूजा के प्रभाव से। राक्षस में परंतु भयंकर राक्षसी प्रतीत होती है ये प्रचंड अग्नि, मेरे हृदय को विचलित कर रही है। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कोई मायावी महाशक्ति जागृत हो, अपना रोष हुंकार प्रारंभ कर रही है। यदि मैं यहाँ रुका तो इस प्रचंड शक्ति के प्रकोप को नहीं सह पाऊंगा। मेरा यहाँ से जाना ही उचित होगा। सृष्टि नहीं सहन कर सके कि उस दुष्ट रावण की सफलता का परिणाम जिसके लिए वो इच्छित होकर पूजा कर रहा है। हाँ देवराज,
संसार को घोर अनिष्ट से बचाने के लिए, रावण को रोकने के लिए, प्रभु श्री राम के धर्म और मर्यादा की सेवा के लिए हमें शीघ्र ही उनकी सेवा में उपस्थित होना चाहिए। ये कैसा भूकंपन है? कहीं किसी संकट का संकेत तो नहीं? कहीं पुनः कुंभकर्ण की भांति किसी महादानव को भेज रहा है रावण, जिसके पग धरते ही धरती कंपित हो उठी है। कैसा धूम्र है ये जो लंका से उत्पन्न हो रहा है? ये ध्वनि और कंपन निरंतर एक ही स्थान से उत्पन्न हो रहे हैं, वहीं से उनका विस्तार हो रहा है। हमारी ओर किसी के बढ़ने का परिणाम नहीं है ये। क्या वो पुनः किसी मायावी शक्ति को प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है? दुर्जय शक्ति की साधना कर रहा है वो। अत्यंत भयंकर निषिद्ध पूजा कर माता तारा देवी की कृपा दृष्टि और उनका सहयोग प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील है रावण। प्रणाम देव। प्रणाम देव। विजय भव। प्रभु, यदि उस अधर्मी रावण ने निषिद्ध पूजा पूर्ण कर ली और माता तारा देवी को अपना साथ देने के लिए विवश कर लिया, तो उनकी अपार शक्ति आप सभी के लिए घातक सिद्ध हो सकती है। रावण एक अत्यधिक बलशाली योद्धा है। माता तारा की अवैधिक पूजा पूर्ण कर वो अपराजेय बन जाएगा। माता तारा देवी की शक्ति के संयोग से उनकी छत्र छाया पाकर किसी भी अस्त्र व शस्त्र का उस पर कोई भी प्रभाव नहीं होगा। अपराजेय हो जाएगा वो, किसी भी शस्त्र का प्रभाव नहीं पड़ेगा उस पर। फिर कैसे विजय प्राप्त करेंगे हम रावण पर? प्रभु, अपने प्राणों की आहुति देकर भी वो निश्चित पूजा में सफलता प्राप्त करने के लिए हर संभव चेष्टा करेंगे। इसीलिए इस घोर संकट की घड़ी में हम सभी देवताओं इस धर्म युद्ध में आपका साथ देने का निर्णय लिया। प्रभु, आपके एक संकेत पर मैं अपने जल के प्रभाव से संपूर्ण लंका को बहा सकता हूँ। आवश्यकता पड़ने पर मैं रावण की ओर बहने वाले वायु प्रवाह को ही रोक दूंगा प्रभु, जिससे वो सांस ही ना ले सके। आप आदेश दें तो मैं अपनी अग्नि से संपूर्ण लंका को जलाकर भस्म कर सकता हूँ। मैं अपने वज्र प्रहार से रावण को कोई भी अस्त्र उठाने के योग्य ही नहीं रहने दूंगा। प्रभु, मैं और अन्य सभी देवता हमारी सम्मिलित शक्तियों से इस धर्म युद्ध में आपका समर्थन देने के लिए तत्पर है। हमारा समर्थन स्वीकार कीजिए प्रभु। परंतु युद्ध मर्यादा के अनुरूप आप मुझे मेरे पुरुषार्थ के बल पर ही विजय प्राप्त करने की अनुमति दीजिए। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए कि युद्ध में हमारे सहायता के प्रस्ताव को स्वीकार कीजिए प्रभु। अब रावण मात्र राक्षस रावण के रूप में युद्ध करने नहीं आएगा, बल्कि वो ऐसी शक्ति के साथ प्रस्तुत होगा जो केवल आपके लिए ही नहीं अपितु संपूर्ण सेना के लिए भी महासंकट का रूप ले सकता है। क्षमता, युद्ध कौशल और पराक्रम यदि कल्याणकारी कार्यों के लिए ना किया जाए तो उनका कोई लाभ नहीं। महायोद्धा महाज्ञानी है रावण, परंतु अहंकार वश अपना विवेक खोकर मूर्ख ज्ञानी के समान व्यवहार कर रहा। नारी का अपमान अत्यंत निकृष्ट कृत्य है जो उसने किया है, और अपनी ही रक्षा के लिए नारी शक्ति का ही आवाहन कर रहा है।
और वो भी आवेदिक वाम मंत्रों से। हाँ नाथ, वाम पूजा भी पूजा का एक ऐसा विधान है जिसमें ईश्वर को विवश कर उनकी अनिच्छा होने पर भी उनकी सहायता ली जाती है। देवेश्वरी, परंतु ऐसी पूजा करने वाला ये भूल जाता है कि जो ईश्वर की अनिच्छा से होता है उसका फल कभी सुखद नहीं होता। ना, यदि रावण का आवाहन अपने चरम पर पहुंच गया तो दर्शन दीजिए माता, अब मैं निपट अकेला हूं, इसलिए आपको मेरी सहायता के लिए आना ही होगा। रावण इस पूजा में असफलता स्वीकार नहीं करेगा माता, भले ही उसके लिए मुझे अपनी समस्त भुजाएं और दसों शीशी क्यों न अर्पित करने पड़े। नारायण, प्रतीत होता है आज रावण को रोकना असंभव है। हाँ प्रभु, अवैदिक पूजा के दो ही परिणाम होते हैं, या तो साधक अपने प्राण त्याग देता है या वो अजेयी हो जाता है। यदि रावण ऐसा करने में सफल हुआ तो आपको हमारी सहायता की आवश्यकता होगी। मुझे क्षमा करें देवगण, मैं मर्यादा और धर्म के पथ से नहीं हट सकता। जब रावण अपनी सेना और संबंधियों को खो चुका है तो मैं आप सबको इस युद्ध में कैसे सम्मिलित कर सकता हूं? निश्चित पूजा कर रहा है वो, मुझे ज्ञात है। रावण की यह पूजा हमारे लिए बड़ा संकट उत्पन्न कर सकती है। यदि मैं भी मर्यादा त्याग दूं तो ये धर्म युद्ध ही निरर्थक हो जाएगा। प्रभु, आप मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, आप युद्ध भी मर्यादा की परिधि में रहकर ही करेंगे, इसलिए हम सब आपको बाध्य नहीं कर सकते। हाँ प्रभु, धर्म और मर्यादा के प्रतीक हैं हम, आपके निर्णय का आदर करते हैं, परंतु आवश्यकता पड़ने पर आपके स्मरण मात्र से हम आपकी सहायता के लिए प्रस्तुत हो जाएंगे। मैं आपका आभारी हूं देवगण, परंतु मैं अपने धर्म से कभी पीछे नहीं हटूंगा। मुझे आप सबकी सहायता, आपका आशीष चाहिए कि इस धर्म युद्ध में हम विजयी हों। विजयी भव।
प्रतीत होता है। क्या आप अब भी प्रसन्न नहीं है मुझसे? परंतु कोई नहीं, अब भी आपको चढ़ाने के लिए 10 शीश है मेरे पास। रावण का आवाहन स्वीकार करना अब और कठिन हो रहा है मेरे लिए। माता तारा! लीजिए माता, रावण अपने शीश आपको भेंट कर रहा है। क्या अभी आप कठोर बनी रहेंगी माता? अब स्वयं को रोक पाना कठिन हो रहा है मेरे लिए। निष्ठुर, पाषाण हृदय है क्या आपका माता? प्रेम दया वात्सल्य का लेप मात्र नहीं है माता? दर्शन नहीं देंगी क्या मुझे? तो सुनिए माता, रावण भी नहीं रुकेगा आज। दीर्घ संकल्प है मेरा, यदि आपके दर्शन करने का मनोरथ पूर्ण नहीं हुआ मेरा, तो अपना अंतिम चीज और अपने प्राण भी आपके चरणों में समर्पित कर दूंगा माता, समर्पित कर दूंगा मैं। क्या वास्तव में रावण इस पूजा के पश्चात इतना शक्तिशाली हो जाएगा कि जिसकी कल्पना ने देवताओं को चिंता में डाल दिया है? देवताओं की चिंता से भी हमें भयभीत नहीं होना चाहिए। कितना भी बलशाली हो जाए वो रावण प्रभु, आपकी वानर सेना उसके लिए पर्याप्त है। प्रभु, हम उसे पूर्व के समान पुनः धूल चटा देंगे। नहीं महाराज सुग्रीव, रावण के सफल होने की संभावना बढ़ गई है। उसके इस कृत्य से माता तारा देवी विवश होने के लिए बाध्य हो सकती है। ये रावण की अंतिम परीक्षा होगी। यदि वो आपके भयंकर स्वरूप को देखकर भयभीत हो गया तो वो उसी क्षण मिट जाएगा। निषिद्ध पूजा पर क्यों आवाहन किया मेरा?
रावण आप सबको क्षति पहुंचाने में सफल हो ये मुझे स्वीकार नहीं। इसलिए ये मेरा उत्तरदायित्व है और मैंने निर्णय लिया है इस बार ये युद्ध हमारी सेना नहीं मैं लड़ूंगा अकेला अकेला अकेला। धर्म पथ पर चलने वाले अवसर मिलने पर भी अनुचित लाभ नहीं उठाते और अधर्मी अपने स्वार्थ के लिए ईश्वर को भी विवश करने से नहीं घबराते।